अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं इजहार अशरफी आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रहा हूँ और कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में, आज के वक्त में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार जो भी है, ख़ास करके हमारे मुसलमानों में, कि माँ बाप थोड़ा सा भी वक्त में हुआ, मतलब माँ बाप थोड़ा सा भी पैसा कमाए और अपनी बच्ची की खुशी के लिए, मतलब सोचते मैं क्या से क्या कर दूँ, मतलब बहुत कुछ कर दूँ, है ना। तो वो माँ बाप का सोचना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि जो मेरे बच्ची की खुशी के लिए मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि वो चीज़ सही है या गलत है, मतलब ये माँ बाप को ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज माहौल क्या बना हुआ है कि माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए ये नहीं देखते कि मैं जो मेरे बच्चे की खुशी पूरी करने जा रहा हूँ वो मेरे बच्चे के लिए बेहतर है या नहीं है, या वो मेरे बच्चे की ज़रूरत या खुशी अगर मैं पूरा करता हूँ तो उससे किसी को फ़ायदा है या नुकसान है, वो ये माँ बाप सोचते नहीं है। मतलब माँ बाप ने देखा कि मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए तो बिना सोचे समझे उस चीज़ बच्चे को दिला देते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ईद के टाइम पर अगर आपको देखने जाएंगे ना, आज हकीकत में ईद के टाइम पर हाईवे पर या लोकल जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर अक्सर लोगों के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ना। एक्चुअली अभी एक भाई आए थे मेरी दुकान पे, पहचान वाले हैं वो भी, मतलब मेरे रिलेशन वाले हैं, तो उन्होंने वही बताया कि अभी बैठे थे परसों बोले ना, उन्होंने बोले थे परसों, मतलब माहिम गए थे ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पे एक बच्चे बाइक चला रहा था, मतलब एक बच्चा बाइक चला रहा था। कितने साल का था वो बच्चा? हाँ, जो बाइक चला रहा था वही नहीं कर सकता है, 10-12 साल का, यानी 15 से 16 साल का था। इसके इतना तो शेप कितना है, 15-16 साल का बच्चा है ना, जो कि वो नाबालिग है। तो वो बंदा, वो बच्चा बाइक चला रहा था और उन्होंने, इनकी बच्ची मतलब आ गई थी माही, तो इनकी बच्ची को ठोक दिया उसने, मतलब एक्सीडेंट कर दिया। तो इनकी बच्ची माजल्ला, बच्ची का हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, इंतकाल हो गया उसका, मतलब दो लोग थे, एक बच्चा भी एडमिट है हॉस्पिटल में और जो इनकी बच्ची थी वो इंतकाल हो गया, और वो जो बच्चा है वो भी काफ़ी सीरियस है ना। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से ये कहना था कि आज लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चे को, जो उसकी नाबालिग है, अब देखो कम उम्र वाले के पास में इतना सेंस नहीं होता कि कौन सी स्पीड में किस जगह कैसी चलाना है, कैसा नहीं चलाना है, क्योंकि वो लोग अंधाधुंध चलाते हैं। उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, है ना। तो वो इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, मज़ा करने के चक्कर में वो कभी भी कैसी भी बाइक चलाते हैं, और चलाने के चक्कर में वो अपना सेंस खो देते हैं कि भाई इससे क्या हो सकता है, वो बोलते ना उसका नतीजा भी नहीं सोचते और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कि ये बता रहे थे कि भाई मेरी बेटी का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, मतलब बहुत सारे लोगों का भी मतलब हाथ पैर टूटा है, यानी उसी, वो एक ही बच्चे ने एक्सीडेंट नहीं किया, मतलब वो माहिम के इलाके में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप बाइक चला रहे हो या जो भी है, या अगर आप अपने बच्चे लोगों का शौक पूरा करें, यहाँ पर सिर्फ बाइक की बात नहीं है, बाइक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें, ये वो माँ बाप के लिए दर्स है कि भाई अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करो, ज़रूरत करो, लेकिन उन ख्वाहिशों को जो जायज़ और दुरुस्त है कि नहीं। तो आज अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे से केस आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट जो करती है गलत नहीं करती कि भाई नाबालिग बच्चों को बाइक चलाना दुरुस्त नहीं है, बेहतर नहीं है, इसीलिए वो फाइन मार देते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमारी जो कौम है, आज हमारे जो मुसलमान कौम है, वो इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए बिना सोचे समझे अपने बच्चे को कुछ भी दिला देते हैं, कभी भी दिला देते हैं कि जाओ मज़े करो, और मालूम पड़ा बच्चा मज़ा करने गया तो मालूम पड़ा मज़ा करते करते वे किसी को भी सज़ा दे देता है, और ऐसी सज़ा कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मौत की सज़ा मिल जाती है ना। तो मज़े में सजे मिल जाते हैं, तो हमको और आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं वो बंदे को आपके सामने रख रहा हूँ जिनकी बच्ची का इंतकाल हुआ, हम लोग उनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे कि भाई क्या क्या मामला हुआ, कैसे कैसा हुआ, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आज क्या क्या माहौल बनता है। अच्छा भाई, आप बता दीजिए, मतलब क्या हुआ आपकी लड़की के साथ में? कभी उसका एक्सीडेंट हुआ, कल हुआ, परसों हुआ? परसों हुआ, मतलब कैसे मतलब एक्सीडेंट हो गया? परसों पार कर रहे थे। अच्छा, रोड पार कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब कितने लोग थे, मतलब साथ में? सात आठ आदमी थे आपके फैमिली वाले, मतलब रोड पार कर रहे थे, घूमने गए थे, माहिम घूमने गए थे। अच्छा,
तो मतलब क्या हुआ, मतलब कौन था वो बंदा जो एक्सीडेंट किया, कितने साल का था, मतलब कितनी एज का था वो लड़का? हाँ, जो जो बंदा बाइक चला रहा था, जो लड़का बाइक चला, बारह तेरह साल का था, है ना? अच्छा, तो आपकी लड़की का मतलब इंतकाल हो गया और दो लोगों का, आपने बोले दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एडमिट है? अच्छा, वो भी एडमिट है, सीरियस है, आपने बोले थे कि वो भी सीरियस है ना? तो अभी जो बंदा जो सीरियस है, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मतलब उम्मीद है बशीर? बहुत मुश्किल है। अच्छा, उम्मीद भी बहुत मुश्किल है। वो लड़का आपका ही था या नहीं? वो कौन था लड़का? वो अपनी उधर ही का था। अच्छा, वो भी अपने उधर का ही था। अच्छा, वो आप फैजाबाद? अच्छा, जो आप आपकी लड़की के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो लड़का आपका रिलेशन वाला है या बिना? पहचान वाला था। अच्छा, वो पहचान वाला है, मतलब पहचान वाला है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि जो ऐसी अंधाधुंध जो बाइक चलाते हैं बिना सोचे समझे रोड पे लेके, जो माँ बाप अपने बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिश के लिए, अपने बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिश के लिए रोकते हैं उसको, जो मतलब ज़बरदस्ती पूरा करते हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे माँ बाप के बारे में और ऐसे बच्चों के बारे में? माँ बाप को ऐसा बोलना चाहिए कि मतलब बच्चों को अपने रोकें बाइक मत चलाने। हाँ, बच्चा तो वो होगा, माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे उसके पीछे ना। बराबर, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता। और मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे और भी लोगों को कि मतलब कि और जो भी है, खास करके आप देखते होगे तो अक्सर करके ये त्यौहार फेस्टिवल के टाइम पे होता है, ये खास करके हमारे मुसलमानों के जो बच्चे हैं अक्सर करके देखा जाता है कि यही लोग बाइक लेके राइडिंग करके अक्सर करके चलते रहते। तो आप ऐसे हमारे कौम के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि मतलब हमारे कौम के बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहोगे, यानी माँ बाप के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे को किस हिसाब से दर्ज दे, क्या हिसाब से बोलें? माँ बाप को ये भी होना चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों को सुधारें, बाइक मत दे चलाने के लिए, बाइक ना दे चलाने, बाइक मत दे चलाने के लिए। अगर साथ है तो जो आदमी उसके माँ बाप भी साथ में रहें, अकेला मत दें चलाने के लिए बाइक। चलो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको मैं मिलाया वो बंदे से, वो दरअसल आया तो पहले टेंशन में था, वो बोला था, उसको मैंने समझाया कि भाई वो जो कुदरत का जो निज़ाम है, मौत और ज़िंदगी सब अल्लाह अज़्ज़ल के हाथ में है ना, लेकिन मौत अगर नेचुरल तरीके से होता तो इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, बट एक्सीडेंट, यानी आज अगर हम लोग देखने जाएंगे तो माहौल इतना गंदा बना हुआ है कि मतलब माँ बाप बिना सोचे समझे यार बच्चे लोग को कुछ भी थमा देते, बाइक थमा देते, जाओ चलाओ, मज़े करो, ये करो, वो करो। अब होता क्या है, मज़े करने के चक्कर में मैंने बोला कि अच्छे अच्छे लोगों को मज़ा सजा दे देता है ना, तो अब वो बच्चा तो जेल में है ही है, साथ ही साथ में उसके माँ बाप लोग भी परेशान होंगे, और बेचारे बूढ़े बाप को अपने बच्चे की जान गंवानी पड़ी है ना। और वो बोला था कि एक और छोटा बच्चा है 4 साल का, वो भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस है। तो बस दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि मेहरबानी करके मेरा ये वीडियो जितना हो सके आप लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि ये हकीकत में आज हमारे माशरे कि हालात बहुत ही बद से बदतर, बहुत ही गंदा है, यानी हम सिस्टम को, चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हैं, और जो चाह अंधाधुंध मन माना हम लोग काम करते रहते हैं ना। बस हर एक माँ बाप से ही गुजारिश है और उन बच्चों से भी गुजारिश है कि जो नाबालिग है, मेहरबानी करके आप लोग बाइक मत चलाओ, और अगर चला भी रहे हो तो मेहरबानी करके एक सिस्टम में, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कि भाई जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, सीखने की नियत से, सीखने के हिसाब से कि चलो ठीक है खाली जगह, वहाँ पे कोई भी आता जाता ना होता, वहाँ पे सीखें, वहाँ पे चलाएं, तो जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता है। और उन माँ बाप लोगों के लिए कि जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों के मज़े के लिए दे देते हैं, बाद में उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब जैसे कि वो बंदे ने बताया कि अभी वो बंदा लड़का जेल में है, उसके माँ बाप भी परेशान है वो बच्चे के लिए, है ना। तो हुआ क्या, माँ बाप ने थोड़े से मज़े के लिए अपने बच्चे को बाइक दिला दी है, अब वो क्या है, वो कंटिन्यू समझ लो उसको सज़ा ही रहेगा, अब वो जेल में ही बंद रहेगा। अब कौन सी कार्रवाई होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो तो आइए अल्लाह मालिक है ना। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और जो मेरा चैनल है इजहार अशरफी है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मैं चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा था, क्योंकि अब मैं सोचता था कि चलो ठीक है अपन, मैंने भी जो चैनल बनाया है एंटरटेनमेंट के हिसाब से, कि भाई मेरा डेली रूटीन में मुझे कभी भी जो भी वीडियोज़ आएंगे मैं डाल दूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब्सक्राइब करने से आपको हकीकत में जो रियल लाइफ में जो चल रही है, इंसान को परेशानियाँ, दिक्कतें जो आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसीलिए मैंने आपको सब्सक्राइब करने बोला, अगर यू वांट टू सब्सक्राइब देन यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई मतलब फोर्स नहीं है, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि
मेरे जो भी अपने मुसलमान भाई हैं वो तरीके से सलीके से रहें, और उन मुसलमान माँ बाप बाप लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो दूसरे लोग भी हैं मुसलमान के अलावा भी, जो हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं, सिख ईसाई भाई हैं, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगा। ऐसी मुसलमानों के लिए वीडियो नहीं है ये, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जात धर्म के लोगों के लिए ये वीडियो है कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो आपके बच्चे हैं जो नाबालिग है, मेहरबानी करके उनको मतलब बिना सोचे समझे बाइक मत चलाने दो, नहीं तो ऐसे ही खतरा का सामना उनको करना पड़ेगा, ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, है ना, कि जिसकी वजह से आपका बच्चा भी परेशान हो जाएगा और आप लोग भी परेशान हो जाओगे। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरा फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।